रजत मंगला और आज हम लाए हैं होंडाई की वरना। आज हम इसका फुल एक्सप्लोर करने वाले हैं डिटेल में कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आती है और कई सारे जो मिथ बनाए हुए हैं माइंड में कि यार इसकी मतलब वरना गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब सर्विस कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है और मतलब इसकी केयर करनी इतनी आसान नहीं है। तो इन सारे सवालों का जवाब आज हम मैं खुद बात नहीं करूँगा, जो इस गाड़ी का ऑनर है उसी से सारी आज बात करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या इसमें कमी और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्वागत है भाई ऋषि, तो सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करिए भाई अपने आपको। भाई मेरा नाम ऋषि अग्रवाल है, मैं पलवल हरियाणा से हूँ। तो आपके पास आज मैं दिखाने आया हूँ अपनी गाड़ी रिव्यू के लिए। तो मतलब कब ली थी आपने ये गाड़ी वरना? ये हमने जनवरी में निकलवाई थी अभी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा भाई कि वरना ही क्यों ली, क्योंकि लोगों का तो मिथ होता है कि यार इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और मतलब एक नॉर्मल पर्सन के मतलब वो उसको मतलब रनिंग नहीं कर पाएगा, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है इसकी। तो ऐसा सवाल नहीं आया माइंड में आपके मेंटेनेंस का कि ज़्यादा है? मुझे तो अफोर्डेबल लगी, मेरे को तो ज़्यादा कोई ऐसी लगी नहीं कि मेंटेनेंस इसका ज़्यादा है। तो यही गाड़ी क्यों लिया आपने? होंडा सिटी भी आती है और भी कई सारे होते हैं, क्योंकि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है बहुत ज़्यादा कम है। जैसे आप अभी आए थे तो बीच में नीचे से टच हो रही थी, तो वो सारी चीज़ें दिक्कतें आती हैं, तो उसका नहीं देखा आपने कुछ भी? इसका क्या है, इसकी लुक मुझे सब ज़्यादा मैटर करती है कि इसकी लुक मुझे जो चीज़ देखता हूँ तो मैं उसकी लुक की उस पर ज़्यादा देखता हूँ, तो मेरे को इसकी लुक ज़्यादा अच्छी लगी तो इसलिए मैंने वाली। मतलब लुक्स पे आपने 16 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिए, तो और कुछ देखा नहीं क्या इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है? तो मतलब कुछ प्यार था वरना से, जैसे चलती देखता तो ये सोचा था कि चलो ये ड्रीम का एक ड्रीम लाइक ट्रू हो जाता है ना, वो चीज थी मतलब कि हाँ रोड पे जो प्रेजेंस होती है वरना की वो अलग होती है। मेरे को जब भी देखता था, पहले हमारे पास क्रूज थी तो फिर मुझे पसंद आई ये वाली गाड़ी। हाँ चल ये वाली निकलवाते हैं। तो ब्लैक में कौन नहीं ली? ब्लैक लवर तो बहुत ज्यादा है, व्हाइट में तो बहुत कम लेते हैं लोग। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, कोई ब्लैक लवर ब्लैक लेता है, कोई ब्लू लेता है, कोई व्हाइट लेता है। सही बात है भाई, बहुत सही बात है। तो भाई दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि आज के टाइम में 2022 में सबसे ज्यादा एसयूवी वगैरह का हो, जैसे महिंद्रा की जो गाड़ी आई है SUV 700, तो उसकी तरफ आप क्यों नहीं गए? जैसे टाटा हैरियर आ रही है तो सेडान क्यों लिया आपने? कहने को तो वो गाड़ी भी बहुत अच्छी है, लेकिन एक एसयूवी वाली, मेरी एक न्यूक्लियर फैमिली है, मेरी ज्यादा बड़ी फैमिली है नहीं, तो मेरे को चार बंदे घर में, तो एक जने लेके जाते, पापा जी लेके जाते, ड्राइवर लेके चला जाता गाड़ी, ये वाली चीज होती है, कोई ज्यादा बंदे होते तो बड़ी गाड़ी। भाई मैंने पहला बंदा देखा है जो मतलब सिर्फ एक नॉर्मल लेने के लिए सिर्फ वरना लेता है। भाई तो कोई और गाड़ी ले लेते वरना क्यों ली? वरना मेरे को लुक एक रहता है ना कि अब भाई तुम्हें लड़की पसंद आ रही कोई, हाँ भाई ये लड़की सही लग रही है, तो ये वाली गाड़ी का वो सही बात है। सही बात है, फर्स्ट क्लास। तो भाई आप ही चलाते हो गाड़ी या मतलब पापा वगैरह या और कुछ चलाता है? मैं तो वर्क पे रहता हूँ, मेरे को तो बाइक, मैं तो ज़्यादा प्रेफर बाइक और स्कूटी करता हूँ, मेरे को तो कभी एक बार जैसे जाना है लॉन्ग ड्राइव पे तो। हाँ तो मैंने अभी देखा था कि आप लद्दाख मतलब अभी घूमने भी गए थे, तो आप इसी गाड़ी को लेके थे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका इस गाड़ी को साथ? एक्सपीरियंस सही था, इसने ऑन रोड इसने 16-17 की एवरेज निकाल दी थी। आप कहाँ गए थे? हम लद्दाख की तरफ गए थे। लद्दाख की तरफ मतलब पहला ट्रिप आपने वरना निकाल दी, लद्दाख की तरफ ले गए थे, मतलब वरना को लद्दाख घुमाने ले गए थे। अच्छा बर्थडे भी अपना भाई बनाया था, मतलब कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया दोनों। तो भाई कुछ अभी तो हमने बहुत सारी बात कर ली ऋषि भाई से, अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ इसके जो फ्रंट साइड लुक के बारे में। अब जो प्री फेसलिफ्ट आता था और न्यू फेसलिफ्ट आता था, तो उसमें जमीन आसमान का अंतर लगता है लगता है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने प्री फेसलिफ्ट मतलब इतना गौर से नहीं देखा था। तो ये आपको कुछ ग्रिल मिल जाती है, डायमंड कट इसमें ग्रिल है, बीच में होंडाई का लोगो मिल जाता है, और जो सबसे मेन अच्छी बात लगती है भाई इसकी लाइट कौन सी है, LED प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाते हैं विद DRL आपको प्रॉपर मिलेंगे यहाँ पर, इंडिकेटर मिल जाता है, और फॉग लाइट हमें यहाँ पर हेलोजन नहीं इसमें LED मिल जाती है। तो इस तरीके की दिखती है इसकी साइड लुक, और सबसे मेन बात जो कि गाड़ी को एक बढ़िया बनाता है सेडान को, इसका सनरूफ, वो भी हम खोल के दिखाएंगे आपको, आप भी रुकिए थोड़ा सा वेट करिए। तो ऋषि भाई थोड़ी सी और बात कर लेते हैं आपसे। हाँ जी बताइए। सबसे पहले तो भाई मैं आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा कि आप सुबह सुबह 8 बजे मेरे लिए टाइम निकाल के आए, तो मतलब मुझे आप यार दोस्ती के लिए, मतलब मैं तो बड़ा शौक था, मैंने कहा सुबह सुबह 7 बजे भाई का फ़ोन आएगा कि यार मैं आ रहा हूँ आप रेडी हो जाओ, तो मैंने कहा भाई चलो यार। तो अब पहले भाई बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, तो आपको वरना का बूट स्पेस कैसा लगता है? स्पेस तो बहुत अच्छा है इसमें, मैं जब ट्रिप पे गया था घूमने के लिए इसमें आराम से इजीली हमारा सारा सामान, कितने मतलब कितना सामान कैरी कर लेती है? वैसे तो चार भाई हमने चार सूटकेस रखे थे
और ऊपर से जैसे पॉलिथीन वगैरह रहती है वो रखा था, तो मतलब काफी स्पेस आ गया था, आपको कोई दिक्कत नहीं आई थी लद्दाख वगैरह गए थे आप? इसमें इतना स्पेस है, दो इंसान आराम से लेट के जा सकते हैं, दो इंसान आराम से लेट के जा सकते हैं, हैं? तो भाई 480 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, काफ़ी अच्छा स्पेस है। और भाई यदि स्पेस अच्छा नहीं होगा, सेडान लेने का फ़ायदा क्या? सेडान लेने का मेन फ़ायदा यह होता है कि स्पेसिंग बहुत ज़्यादा मिल जाती है, जैसे हम सियाज वगैरह देखते हैं, होंडा सिटी या वरना गाड़ी देखते हैं। तो भाई हम अंदर आ गए हैं, तो भाई अब थोड़ा बहुत मुझे अंदर के मामले बताइए कि इसका स्पेस कैसा है, मतलब कितने बंदे ढंग से आराम से रिलैक्स होके बैठ सकते हैं इसमें? चार बंदे आराम से रिलैक्स होके बैठ सकते हैं। चार बंदे पांच बंदे नहीं आ पाएंगे? मतलब पांच बंदे आ तो जाएंगे, पर एक छोटा बच्चा आ जाएगा। अगर आपको रिलैक्सेशन की बात कर रहे हो ना, तो चार बंदे बड़े और एक छोटा बच्चा बहुत आराम से आ जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन जो अंदर की तरफ पूछना चाहूंगा, इसका सनरूफ जो कि मैंने अभी बताया था कि मतलब ये इफेक्टिव है सनरूफ, अगर देखा जाए ना तो इसका थोड़ा स्पेस कम है सनरूफ का। मतलब कैसे? और गाड़ियों से स्पेस इसका, जैसे अगर मैं निकलता हूँ इसमें से बाहर तो कोई बात नहीं, नहीं मत निकली अभी, तो अभी इसमें से ना स्पेस इतना है। हाँ, अगर जो मैं, मेरे पास जो पहले गाड़ी थी क्रूज थी, तो उसका जो सनरूफ का स्पेस था वो ज्यादा था, उसमें आप मैं इजीली आराम से निकल सकता हूँ। मतलब एक बंदा निकल पाएगा, दो बंदे इफेक्टिवली खड़े हो पाएंगे? दो बंदे इफेक्टिवली खड़े हो सकते हैं। तो आप लद्दाख में ट्राई करा था ऐसा कुछ सीन? हाँ जी, बहुत ट्राई करा था, मतलब करा था यार। मतलब सनरूफ का मजा यदि लद्दाख में नहीं लिया या हिल स्टेशन वगैरह में नहीं लिया, तो मतलब कब लिया? तो क्या आप हरियाणा में लोगे? सही बात है, गलत कह रहा हूँ। अब तीसरा क्वेश्चन तो बताइए, इसका ब्रेकिंग सिस्टम बताइए कि ब्रेकिंग सिस्टम इसका कैसा है? ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, आपको बताता हूँ। जब हम ट्रिप पे जा रहे थे तो जैसे डियर वगैरह, मतलब कि जैसे कोई भी आ जाता है जैसे डियर वगैरह आ गया था, तो हमने एक साथ ही ब्रेक मारी थी ना, तो मतलब बहुत इजीली ब्रेक लग गई थी, और ऐसे नहीं कि स्किट मार रही है गाड़ी, स्किट मार रही है वगैरह, मतलब कि एक साथ ऐसे बहुत इजीली मतलब रुक जाती है गाड़ी। तो मतलब जैसे कि आपने अभी पहले कौन सी गाड़ी चलाई है? इससे पहले हमने क्रूज चला रखी है। तो क्रूज और वरना में कुछ आपको अंतर दिखा? अंतर तो बहुत है, हमारे पास जो क्रूज थी वो ऑटोमेटिक थी, तो मतलब कि एक ऑटोमेटिक में आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट मिल जाता है, मतलब यहाँ पे आप गियर पे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बातें नहीं कर सकते आप। मतलब आप फैमिली पर्पस के लिए भी आपके लिए ये गाड़ी बहुत सही है, मतलब कि इजीली, मतलब अब आप मुझे बताइए जैसे आपने इसको हाई स्पीड मतलब कितनी रन करी है, मतलब एक स्पीड होती है ना कि मतलब हाई स्पीड आपने कितनी भगा रखी है? मैं इतनी स्पीड में चलाता हूँ जितनी मैं संभाल सकूँ, जितनी संभाल सकता तो चलाई नहीं है मैं। अगर इसका ये एक चीज मेरे को इसमें बढ़िया लगती है, अगर आप इसमें 80 से प्लस जा रहे हो ना, 80 से प्लस जा रहे हो, 60 या 78 प्लस ऐसा कुछ है उसमें प्लस जा रहे हो, तो इसमें एक सायरन बज जाता है, तो उस वो चीज मेरे को इसमें अच्छी लगी कि हाँ भाई आप नॉर्मल स्पीड में चलो, और ये चीज मेरे को बढ़िया लगती है, मेरे को आराम से गाड़ी कंफर्ट में चलाना गाड़ी ज्यादा पसंद है, रश में आता है। क्या नाम है आपकी? सर्विस वगैरह हो चुकी है इसकी? पहली सर्विस कॉस्टिंग वगैरह सर्विस हो चुकी है। तो मतलब जैसे मिथ होता है माइंड में बहुत लोगों के, इसकी सर्विस कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो यार मैं तो वरना गाड़ी नहीं लूंगा, मैं तो होंडा की सिटी की तरफ जाऊंगा। सर्विस कॉस्ट ज्यादा तो नहीं थी, अफोर्डेबल थी, मतलब कि मेरे को। कितनी सर्विस हो चुकी है इसकी अभी तक? इसकी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है। फर्स्ट सर्विस तो फ्री ऑफ कॉस्ट हुई होगी, तो उसमें भी कुछ चार्जेस लगे थे? नहीं, उसमें कुछ चार्जेस नहीं। तो ये आपने गाड़ी ली कहाँ से थी? ये हमने गाड़ी पलवल शोरूम से ली थी। तो अभी हम बात कर रहे थे कि आपने पलवल से ली, तो मतलब आपको कैसी सर्विस मिली थी पलवल वगैरह में? अच्छी थी सर्विस, तो कोई ऐसा इशू नहीं था कि सर्विस बेकार है, मतलब कि सारे वर्कर्स सही थे, मतलब अच्छे से ट्रीट करा था आपको। तो आपने जो पुरानी वाली जो अपनी गाड़ी है उसको सेल कर दिया या मतलब अभी वो रख रखी है आपने? वो सेल कर दी। सेल कर दी क्योंकि वो जो कंपनी है वो यहाँ पे है नहीं, और उसके पार्ट्स हमें गुड़गांव से दिल्ली से मिलते हैं, वो भी बहुत कॉस्टली पार्ट्स आते हैं उसके, तो इसलिए हमने उसको सेल ही कर दिया। सेल कर दिया, तो आप इसी को रनिंग कर रहे हो आप? तो लोकल में या मतलब ऐसी लोकल में रनिंग करते हो? लोकल में चलती है, जैसे फैक्ट्री से घर, घर से फैक्ट्री, ये चीज़ होती है, ये सारी चीज़ होती है। तो आप पूरे सेटिस्फाइड हो इस गाड़ी से या मतलब अभी भी पछताना हो रहा है कि यार नहीं मेरे को ये नहीं लेनी चाहिए थी? बस एक सही बताऊं तो पापा जी की इच्छा थी कि इस वाली गाड़ी को लेने की, तो उनको भी पसंद आई थी, तो इसलिए हमने वाली गाड़ी ली। तो ऐसे कोई है ही नहीं कि हमें कि यदि आपके पास इस समय 15-16 लाख रुपये हों तो आप कौन सी गाड़ी परचेज करेंगे इस समय, राइट नाउ? इस समय मैं परचेज करूँगा स्विफ्ट की, नया मॉडल जो आया है मेरे को अच्छा लगा। आप कहाँ से मतलब वरना सिर्फ 15 लाख में एक शिफ्ट हो गई, और कौन सी गाड़ी आप चूज कर सकते हैं? i20 मतलब होंडा आपको मतलब एक मुझे लगता है कि शिफ्ट हो गई, एक लगता है कि होंडाई से मतलब एक अलग प्यार है आपको? होंडाई से एक ऐसा तो कुछ है नहीं, बस गाड़ी के ऊपर देख के पसंद आती है मेरे को कि गाड़ी ये अच्छी है, तो लुक मैं सब ज्यादा जाता हूँ गाड़ी के लुक पे। तो फुल सेटिस्फाइड हो आप अपनी गाड़ी से, मतलब कोई दिक्कत नहीं है? हमने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है ऋषि अग्रवाल भाई के साथ, उन्होंने डिटेल में बताया है कि मतलब
कि जो मिथ माइंड में बनाया हुआ है कि इसकी जो सर्विस कॉस्टिंग के रिगार्डिंग या और भी कई सारे क्वेश्चन जो माइंड में पूछे जाते हैं उससे पहले जो आते हैं वो आज सॉल्व हो चुके हैं। तो मतलब मैं आपको पूरा मतलब ऋषि भाई आप रिकमेंड कर सकते हो कि आने वाले जो कोई भी जो बायर होंगे वो अपनी वरना गाड़ी परचेज कर सकते हैं आराम से, अगर आपको पसंद है गाड़ी सेडान गाड़ी तो आप सेडान। तो ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? प्रॉब्लम आती है सही बताऊं तो, जैसे हमारे तो थोड़ा गांव का एरिया भी पड़ जाता है ये। हाँ साइड तो अगर जैसे उबड़ खाबड़ रोड है तो टिकती है गाड़ी। और जैसे तुम्हारे दिल्ली साइड वगैरह हो तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप चला सकते हो उधर। तो यार एक बात और है माइंड में कि मतलब इस समय तो इलेक्ट्रिक का पूरा जमाना आ चुका है, तो पेट्रोल जो कि आसमान छू रहा है 100 रुपये ऊपर चले गया, उसके बाद भी आपने अभी हाल ही में परचेज करी है दो या तीन महीने पहले और इलेक्ट्रिक का क्रेज आ चुका है इंडिया के अंदर, तो उसकी तरह मूव नहीं करा आपने? ऐसे तो लोग डीजल की भी चला रहे हैं, सीएनजी की भी चला रहे हैं, वो तो अपने नहीं। इलेक्ट्रिक का एक अलग मोड है ना कि जिसका आने वाली मार्केट इलेक्ट्रिक ही बनने वाली है, पेट्रोल बहुत कम होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मेरे व्यूअर्स वगैरह जो देख रहे हैं उनके लिए। अब आप देखिए ना कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, हाँ भाई मैं मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक का ज़माना आ चुका है, जैसे टाटा की इलेक्ट्रिक जो कार है वो भी आ गई है, वो भी हमें पसंद आई थी गाड़ी, पर उसमें सुनने को मिल रहा है कि लाइक खड़ी खड़ी में आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है जो पावर है उस गाड़ी की वो अपने आप ही डाउन हो जाती है, ये वाली चीज़ है। और फिर अब आपको इलेक्ट्रिक जो अगर मैं जैसे पेट्रोल पंप होते हैं तो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी तो नहीं है ना इतने ज़्यादा, मतलब अपने हरियाणा में अभी तक इलेक्ट्रिक स्टेशन वगैरह अभी तक नहीं है, पर अब जैसे दिल्ली पर जाते हो तो वहाँ पर आपको हर जगह मिल जाते हैं, ये भी एक बड़ा रीज़न है पाते हैं। तो ये वाली चीज़ अब हमारा दिल्ली की तरफ रूट कम लगे और हम ज़्यादा अब अपना मैं तो अपना लोकल का देखूंगा ना कि लोकल में मेरे को क्या सुविधा ज़्यादा मिल रही है, तो मैं उस पे सही बात है। तो भाई आपने देखा एक हमने नया एड ऑन क्वेश्चन भी करा था इलेक्ट्रिक का जो कि इनसे पूछा था कि इनका एक्सपीरियंस शेयर करा था, तो आज हमने सारी बातें कर लिए, सारी चीज़ें हमने शेयर कर दी, पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू वेरी मच।